आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 10 मई के श्रीवरदान की। तीन लोक, तीन काल, इन चीजों की अगर हमें नॉलेज हो जाए, पता चल जाए हमें कि तीनों काल क्या हैं, हमारे पिछले जीवनों के तीन काल क्या थे, मतलब कि हम पिछले जन्म में क्या थे, अभी क्या हैं और आगे क्या बनने वाले हैं, और ये संसार का जो नाटक चल रहा है उसमें परमात्मा की प्लानिंग क्या है, उसके अनुसार अगर हम चलें तो हमारी एक्टिंग डिफरेंट होगी और हमारी सोच डिफरेंट होगी, पूरे संसार की आत्माओं के अनुसार उनसे भिन्न होगी हमारी सारी सोच। तो यही परमात्मा कहते हैं कि इस ज्ञान के अनुसार तुम अगर अपना नाटक में अपनी प्लानिंग करो तो सफलता मिलनी ही मिलनी है। आइए देखें परमात्मा कहते क्या हैं आज के वरदान में। तीनों कालों, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल, तीनों लोकों, हमारे तीन लोक हैं जो कि आप देख पाएंगे ऊपर दिए हुए चित्र में इस वीडियो के। तो तीन लोक कौन से हैं, मनुष्य, साकार मनुष्य लोक हो गया, सूक्ष्म लोक हो गया सफेद रंग का, और ऊपर हो गया आपका हमारा मूल वतन या परम धाम कहें उसको, या आत्म जगत कहें या ब्रह्म लोक कहें उसको। तो वहां तीनों लोकों का अगर ज्ञान है हमें कि नॉलेज को धारण कर बुद्धिवान बनने वाले विश्व विघ्न विनाशक भव, जो तीनों कालों और तीनों लोकों के नॉलेजफुल हैं उन्हें ही बुद्धिवान अर्थात गणेश कहा जाता है। गणेश जी को दिखाते हैं कि वो पेट से मोटे होते हैं, लेकिन वो पेट से मोटे होना मतलब उन्होंने ज्ञान के लड्डू खाए हुए थे, मतलब कि उनके अंदर बहुत विद्या है। इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग मोटे हैं वो बहुत विद्या या बहुत ही विद्वान होते हैं, लेकिन ये एक समझाने वाली या एक सिंपल सैंपल के रूप में हमारे शास्त्रों में भी और साथ ही साथ हमारे भक्ति मार्ग में भी ये बातें कही गई हैं, जहाँ पर कि गणेश जी को दिखाया जाता है कि वो लड्डू खा रहे होते हैं और लड्डू होते हैं प्रसाद। प्रसाद को एक्चुअली ज्ञान को ही प्रसाद कहा जाता है, ज्ञान रूपी प्रसाद कहें आप या प्रसाद रूपी ज्ञान कहें आप, बातें की है। तो गणेश अर्थात विघ्न विनाशक, अगर हमें पता चल जाए कि हमें फ्यूचर के अनुसार क्या प्लान करना है अभी, या अभी हमें कौन से एक्शंस लेने हैं ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो। अब देखिए ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, धन के मामले में सोचते हैं, अभी मैं क्या प्लानिंग करूं ताकि मेरा फ्यूचर अच्छा हो, वो तन के सुख के बारे में हो गया, लेकिन अभी मैं कैसा वर्ताव करूं, कैसे संस्कार रखूं, कैसा कैरेक्टर बनाऊं, कैसी पर्सनैलिटी बनाऊं, वो इम्पोर्टेंट ज्यादा है जो कि सूक्ष्म है। हम स्थूल की तरफ चले जाते हैं जब हम सोचते हैं फ्यूचर की प्लानिंग, सूक्ष्म की तरफ जाना इम्पोर्टेंट है कि मुझे अपना कैरेक्टर बिल्ड करना है, अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करनी है, अपने नेचर बिल्ड करनी है, स्वभाव भाव परिवर्तन करना है। अगर अभिमान है तो मुझे नम्रता धारण करनी है, अगर अहंकार है नम्रता धारण करनी है, मधुरता धारण करनी है मुझे, अगर मेरे अंदर क्रोध है तो मुझे शीतलता शांति धारण करनी है ताकि मेरा भविष्य अच्छा हो। तो हम हर चीज को पैसे से नाप नहीं सकते, बिकॉज कलयुग में जैसे ही आपने कहा कि भविष्य के बारे में सोचो तो हर किसी का बुद्धि ध्यान अपना करियर जॉब पैसे की तरफ चले जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं गणेश अर्थात विघ्न विनाशक, मतलब कि हमारे अंदर ऐसी विद्या हो जिससे कि हम आने वाले जो भी विघ्न हैं उनको हम पार कर पाए। परमात्मा कहते हैं वह किसी भी परिस्थिति में विघ्न रूप नहीं बन सकते। कोई भी अगर परिस्थिति आती है उसमें वो अपने अभिमान के कारण या ईर्ष्या के कारण या घृणा या नफरत के कारण वो कभी भी विघ्न नहीं बन सकते। वो मेक श्योर करेंगे कि वो जो कार्य है, परमात्मा का कार्य है या घर का भी कार्य है, वो उनकी वजह से ना रुक जाए। तो अपने आप को परिवर्तन करने की शक्ति, हमने पिछले वर्तमानों में भी सीखा था कि 1 सेकंड में अपने आप को परिवर्तन करने तक पहुंचना है हमें, कि हमें अगर लग रहा है कि हमारे अंदर अभिमान जागृत हो रहा है या हमारे अंदर ईर्ष्या जागृत हो रही है, 1 सेकंड में इसको परिवर्तन कर देना ताकि जो सामने कार्य है वो सफल हो, और हमारे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन तो है लेकिन वो कार्य भी परिवर्तन सबसे पहले होगा। फिर परमात्मा कहते हैं यदि कोई विघ्न रूप बने भी तो आप विघ्न विनाशक बन जाओ। अगर आपके सामने कोई विघ्न रूप बने, कोई आकर के रोक दे आपको, आपके काम को रोक दे, लेकिन आप विघ्न विनाशक बनो, आप इतने जल्दी अपने आप को मोल्ड कर लो, क्योंकि अगर क्या होगा, अगर आप भी पत्थर बन जाओगे वो भी पत्थर बनकर आपको बोल रहा है नहीं रुको, अगर आप भी बोलोगे नहीं मैं नहीं रुकूंगा, तो फिर ये दोनों चीजें क्या होंगी, ये दोनों चीजें टकराएंगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हम कहते हैं जल बन जाओ, परमात्मा कहते हैं मोल्ड हो जाओ। सोना क्या होता है, सच्चा सोना 24 कैरेट का, वो जल्दी मोल्ड हो जाता है, फटाफट उसको आप किसी भी शेप में डाल सकते हो। तो दुनिया में जल का एग्जाम्पल देते हैं,
कि वो जल क्या करता है, टकराता नहीं है, फटाफट अपनी दिशा चेंज कर लेता है और परमात्मा देते हैं गोल्ड का, रियल गोल्ड का एग्जाम्पल, बन जाओ, इससे विघ्न खत्म हो जाएंगे, मतलब अपने आप को मोल्ड कर लो। हो सकता है कोई आपको आगे ना जाने दे रहा हो, लेकिन आपके पास में, यानी कि उधर ही जाना जरूरी है, आप किसी और दिशा में जाएंगे तो आपके लिए बहुत बेटर हो सकता है वो। और अगर हम अपने आप को चेंज कर लेते हैं, हम अपने आइडियाज को थोड़ा सा ट्विक कर देते हैं, उसमें कुछ नवीनता ला देते हैं, हो सकता है कि जो वो रोक रहे हैं एक्चुअली वो हमारे भले के लिए रोक रहे हैं, एक्चुअली उनको पता भी नहीं है, वो हो सकता है ईर्ष्यावश या क्रोधवश या घृणावश या नफरतवश रोक रहे हो, लेकिन उसमें हमारी भलाई छुपी हो। होता है बहुत बार ऐसे, परमात्मा कहते हैं इससे विघ्न खत्म हो जाएंगे। विघ्न विनाशक आत्माएं वातावरण वायुमंडल को भी परिवर्तन कर देती हैं, वो किसी चीज में रुकती नहीं, उनको हर चीज में भलाई दिखती है, हर चीज में नेगेटिव में उनको पॉजिटिव दिखना शुरू कर देता है, इसलिए वो सब किसी का, हर किसी का नजरिया चेंज कर देते हैं और वो हर एक वायुमंडल को भी परिवर्तन कर देते हैं, वातावरण परिवर्तन कर देते हैं, वो हाय तौबा नहीं करते हैं, वो कंप्लेन ब्लेन बैठ करके और की तरफ उंगली उठाना ये सब कुछ नहीं करते हैं, वो फटाफट सोल्यूशन ढूंढते हैं, उसका वर्णन नहीं करती, परिवर्तन करते हैं जो विघ्न आए लेकिन उसका वर्णन नहीं करती, देखो ना उसने ऐसे किया, उसने ये बोला, उसने वो किया, वो ये करते हैं, मैंने करा क्या जब उन्होंने ऐसे बोला, तो मैंने ये सोल्यूशन निकाला, मैंने ये तरीका निकाला। और इसी चीज़ में वो आत्माएं लीडरशिप क्वालिटी वाली आत्माएं होती है जो कि आगे बढ़ जाती है, और परमात्मा को पता है ऐसी आत्माएं कौन सी है, और परमात्मा को ये भी पता है ऐसी आत्माएं कौन सी है जो कि विघ्न बनती भी हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कोई विघ्न बनता है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ो, आप जो विघ्न बन रहा है उससे नफरत नहीं करो, आप जो विघ्न बन रहा है, जो विघ्न परिस्थिति आई है उससे आप डरो नहीं और नफरत भी नहीं करो उस व्यक्ति से जो लेके आ रहा है, लेकिन आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ो तो आप परमात्मा की नज़र में आ जाओगे। यही तो टेस्ट है, ये तो गेम है, ये तो खेल है इस दुनिया का, ये सारी चीज़ें आपको परमपिता परमात्मा ब्रह्म कुमारी सिखाते हैं ताकि हमारे बुद्धि के ताले खुले। ओम शांति इसके साथ।